ओगरा का कहना है कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां शिमाली इलाका जात की तरफ अपनी रसद में इजाफा करें ताकि मुतालिका इलाकों में ईंधन की बिला तासुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन्फोर्समेंट टीमें ऑयल डिपोज में मौजूद जखीरे का मुआयना करें और तेल की तफसील की सूरत हाल का जायजा लेते रहें। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि चीफ सेक्रेटरीज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मामलात को मुनज़म रखने और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए मुतालिका DCOs को मुतहरक रहने के अहकाम जारी करें। दुनिया के दूसरे बुलंदतरीन मकाम देवसाई तक सयाहों की रसाई अब आसान होगी। महकमा ने इस तौर रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया है। ईद के बाद देवसाई टॉप तक रोड बहाल कर दी जाएगी। महकमा तामीरात आमाज तौर का कहना है कि दो दिन बाद रोड बड़ा पानी तक बहाल कर दी जाएगी। ईद के एक हफ्ते बाद बहाली का काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। देवसाई टॉप करदू तक रोड जल्द बहाल कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आइन शिकनी पर सदर आरिफ अलवी और इमरान खान समेत साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। जराई का कहना है कि सदर आरिफ अलवी और साबिक वजीर आजम इमरान खान के अलावा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। जराई का कहना है कि रेफरेंस में मौके